व्लॉग नहीं दिखे होंगे। कल मैंने व्लॉग भी अपलोड किया था, जैसे कि मैंने फर्स्ट व्लॉग में बताया। और गाइस ये रात को मैंने सारे के सारे कपड़े धोए हैं क्योंकि तो गाइस अभी अभी जस्ट आए घर पे मंदिर से पूजा करके। गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी, मैंने बहुत ही अच्छा प्रीटी सब मेकअप कर लिया है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप करती हूँ कि आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी हमने सबने शावर ले लिया है और बस रह गई है दीदी, शावर लेने के लिए गई हुई है, बाकी सबने शावर ले लिया। टाइम जो है 2:30 बज चुके हैं और आज है दूसरा सोमवार का व्रत सावन का। तो अभी सब जा रहे हैं मंदिर, बस पापा को छोड़ के, क्योंकि पापा सुबह ही करके आ जाते हैं पूजा और हम जो है लेट उठते हैं सब, तो हम लेट जाते हैं मंदिर। अभी बस दीदी का वेट कर रहे हैं कि दीदी कब आए और हम मंदिर जाएं। तो गाइस जैसे कि आपको मेरे चैनल पे 2-3 दिन से व्लॉग नहीं दिखे होंगे, कल मैंने व्लॉग भी अपलोड किया था, जैसे कि मैंने फर्स्ट व्लॉग में बताया था कि आपको मेरे चैनल पे हम जहाँ पे घूमने गए थे ऋषिकेश वगैरह, मैं वो वाले ब्लॉग्स डालूँगी। पर वो मैंने जैसे ही अपलोड करती हूँ वो वैसे ही रिजेक्ट हो जाता है, मुझे पता नहीं चलता उस वीडियो में है क्या ऐसा। बार बार यूट्यूब वाले हैं जो चाइल्ड सेफ्टी की नोटिफिकेशन भेजते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैंने ये सोचा कि अब मैं वो ब्लॉग डालूँगी ही नहीं, वो वाला ब्लॉग मैं या तो फेसबुक पे अपलोड कर दूँगी या तो फिर पूरा इंस्टाग्राम पे। अगर मेरा इंस्टाग्राम का पेज फॉलो करना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अब से मैं वो वाले ब्लॉग थोड़े दिनों के लिए डिले कर देती हूँ, तो अब से चैनल पे सिर्फ और सिर्फ हमारे डेली वाले रूटीन के ब्लॉग्स दिखेंगे आपको। और गाइस ये रात को मैंने सारे के सारे कपड़े धोए हैं क्योंकि हमारी काम वाली आंटी आ नहीं रही है, और यहाँ पे भी जो ये वाले कपड़े हैं ये भी सारे धुले हुए हैं, रात को धुले हैं, बहुत मुश्किल से सूखे हैं ये वाले कपड़े। और मम्मी सोच रही है कि कब जाए मंदिर, चाय की वो हो रही है क्योंकि 2:30 बज चुके हैं। देखो ये बहुत बेकार है, उसने बड़ा फूट दिया। किसने? एक ही हमारे घर में। कौन? शिल्पो। तो गाइस दीदी की बात कर रहे हैं हम, प्रियंका दीदी की। बेकार लड़की है, सोती सोती रहती है, उठने का नाम नहीं है। अब नहाई है, अब मंदिर जाने अकेले चले जाएंगे, जब भी गुस्सा करेगी। तो मैंने तो मम्मी को बोला ही था कि मम्मी मंदिर चले जाए, पर मम्मी कह रही है कि फिर नहीं है, ऐसे अच्छा नहीं लगता, सब साथ ही जाएंगे। तो अभी दीदी भी नहा लिया, बस दीदी आने वाली है। तैयारी तो कर ले, सामान वामान तो कर ले, निकाल लेते हैं, जाना नहीं है आज। हाँ और गाइस आज अमावस भी है, तो पापा ने दादी दादा की पूजा करी है, देखो। तो गाइस देख लो दीदी भी नहा के आ गई है। तो गाइस हम ना मंदिर आ गए हैं और ना यहाँ पे अभी थोड़ी सी तैयारी चल रही है, दही दूध गंगा जल और शहद और पता नहीं क्या क्या मिक्स कर रहे हैं मम्मी, और दूध के अंदर जल के अंदर क्या क्या डालते हैं, दूध दही गंगा जल, बस यहाँ पे दाना हो गया। दिया का रखा था वो दूध है वो भी डाल, बस
गाइस अभी अभी जस्ट आए घर पे मंदिर से पूजा करके, और घर पे भी पूजा हो गई है हमारी, सुबह ही हो जाती है, अभी दोबारा भी कर ली हमने। मम्मी है, मम्मी देख के आई है पेड़ पौधे हमारे, सारे पौधे सुखा रहे थे, तौलिया डाल के, तौलिया वोलिया तो मम्मी हम यहाँ यहाँ लटका देते। हाँ बहुत सारे हो रहे हैं गाइस, ये हमारे सारे पेड़ पौधे हैं, और बार बार जो है आके सब कोई ना कोई रात भर तोड़ के चला जाता है, पता नहीं क्यों इतनी खुंदक करते हैं हमसे, बारिश आई। तो गाइस अभी हम चाय पी रहे हैं सब के सब, और खराब हो रहा है मेरा, हमारे टीवी की स्क्रीन चली गई है पता नहीं कैसे, खराब हो गया है टीवी, चल नहीं रहा है, क्या मुझे गोला देखना है, गोले का मतलब मम्मी, ये देखो गाइस ऐसे हो गई है स्क्रीन, किसी ने कुछ इस पे मारा नहीं है, कुछ नहीं करा, अपने आप ही स्क्रीन ऐसे हो गई। क्या फिल्म हो गई है इसकी मम्मी, अब हम और गाइस हमें 100-100 रुपए मिले हैं क्योंकि आज हम आवास है ना, चाहिए गिर के रही इसकी, और इसकी तो मस्ती खत्म नहीं हो सकती, इनकी लड़ाई हो रही है गाइस। तो गाइस आज अमावस है, अमावस की पूजा के लिए पापा ने हमें 100-100 रुपए दिए। तो गाइस अभी टाइम हो गया 6:30 बज गए हैं, और अभी जो है मेहमान आ गए थे हमारे घर पे, हमें कार्ड दे के गए हैं, मेरी राशि ने भी लिखवाया था क्या हमारे घर मेहमान आएंगे, काम कर लेके आएंगे, बर्थडे सेरेमनी का कार्ड आया है, जागरण भी है, और इसका देवर है वो, इसकी ससुराल से आया कारट, और इसके क्या कहते हैं देवर जो है जिठानी है, दुरानी, बड़े छोटे हैं, ये तो जेठ हो गए ना, साथ का ही है, बराबर है। गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी, मैंने बहुत ही अच्छा प्रीटी सब मेकअप कर लिया है, ये है मेरा आज का आउटफिट, यानी मेरा सिंपल क्यूट सा सूट, और ऐसा ही सेम सूट श्वेता ने भी पहना है, और मैं हो चुकी हूँ उस वक्त रेडी। पर गाइस ये देखिए टाइम क्या हो रहा है, ये सुबह के 7:15 नहीं है, शाम के 7:15 हो रहे हैं, बस आज हम तैयार नहीं हो पाए क्योंकि मेरे सूट मेरे कपड़े जो थे वो घर पे पड़े थे मेरे, और इसलिए मैं वो लेने गई थी तो लेट हो गए, फिर घर में मम्मी के मेहमान भी आ गए थे, तो इसलिए मैं अभी रेडी हुई हूँ, और बाकी श्वेता और नैना, मम्मी ये बैठी है, मम्मी ये पड़ी है मेरी, इसे पड़े रहना कहते हैं, मम्मी भी आज ऐसी सूगली सी हो रही है, सूगली मीन्स समझते हो आप, सूगली मीन्स होता है जैसे कि जो बिगन है दो ही पड़े रहते हैं ना, उन्हें सूगली मींस कहा जाता है, तो वो मम्मी 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 वो पड़ी है सूगली, जरूरी नहीं होता नहाने से बंदा सूगला नहीं दिखता, शक्ल से भी सूगला दिख जाता है, तो वो आज तो आज मम्मी सूगली पड़ी है, और मैं देखो प्रीटी प्रीटी लग रही हूँ गाइस, और गाइस आज मम्मी टीवी नहीं देख रही है, आप ये देखिए आज पहली बार हमारा टीवी बंद मिलेगा आपको, क्योंकि टीवी हो चुका है खराब, सबकी लग चुकी है वाट, क्योंकि टीवी के बगैर किसी का मन नहीं लगता, और श्वेता नैना इधर देखते क्या कर रही है, लुका छुपी बहुत हुई सामने तो नैना और श्वेता इधर कर रही है मेहनत, जो कि नैना कभी करती नहीं है, आज करती हुई दिखाई दे रही है। तो गाइस हम सबके लिए पराठे बना रहे हैं कि ताकि सब अपना फास्ट खोल सके, और अभी टाइम कितना हो गया दीदी, 7:15 अभी इसके बाद हम सब अपना फास्ट। तो गाइस देखो इनका काम करना, ऐसे काम करती हैं, मैं तो कभी ऐसा करती भी नहीं हूँ, आपने भी देखा होगा मुझे मेरे घर पे, दीदी लेके आई है ना कैमरा, तो हमारा ध्यान हट गया गैस के ऊपर से, इसलिए दूर गिर गया। तो गाइस किसने कहा था इन्हें ऐसी बातों पे ध्यान देने के लिए, ये सब दीदी की गलती। तो पराठों के साथ क्या दूध है या खीर है आज? दूध ही है, ओनली दूध, दूध ही पियेंगे, अगर जिसको दही खानी है तो वो दही ले आओ। और परांठे देख सकते हो, और अभी भाभी और भाई आए नहीं है, दूध उबल गया, पराठा ये बन रहा,
तो गाइस हम देखो शुद्ध देसी घी में खाते हैं, हम खाते हैं अमूल के ब्रांड का नहीं, मदन डेयरी है ये। नहीं हम वैसे जब हमारे घर में दूध घी नहीं निकलता ना मलाई का, तो हम बाहर से घी अमूल वाला लेके आते हैं, वरना हम खुद ही घर में मलाई का दूध निकालते मलाई का घी निकालते हैं। तो हाँ। अभी भी मलाई भी हमारी फ्रिज में इकट्ठी हो रही है, मैं सोच रही हूँ एक ना एक दिन निकाल लूंगी। एक ना एक दिन, वो दिन पता नहीं कब, अब वो पता नहीं दिन कब आए। तो तुम अब तैयार नहीं होंगे? अभी देखते हैं, अभी गर्मी। क्यों शॉर्ट वीडियोस नहीं बनाऊंगी क्या? बनाएंगे ना, अभी पहले ये वर्त तो खोल ले। तो गाइस अभी तैयारी हो रही है फास्ट के खोलने की, और देखते हैं। मम्मी पाठ पूजा तो कर लो, मम्मी पाठ पूजा तो कर लो। तो गाइस मैं नहीं करती हूँ ज़्यादा पूजा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं आता है पूजा में। मैं मन से मांग लेती, मन से सब कुछ कर लेती। और पापा को देखो अभी दी वो आरतियाँ लाए थे, अब धूनी लिया है, थोड़ी देर बाद कपूर भी ले आएंगे। तो गैस मेरे पापा की पूजा होती है पूरी 2 घंटे की, पापा आए थे 7 बजे, आज अभी आधा घंटा ही हुआ, अभी जाप रह गए, पता नहीं क्या क्या रह गया। गैस मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ना 2 दिन से ना बहुत सूखी खांसी उठ रही है, मतलब एकदम से धसका आता है, और वो जब आता है ना तो जो खाया भी हुआ आता है या पिया हुआ आता है ना, वो एकदम से निकल जाता है मुझसे, बहुत ही तेज सूखी सी एकदम से गले में, जैसे कि कुछ सूखा सपन जैसे कि अभी भी मुझे हो रहा है वो होता है। तो कोई अगर आपके पास कोई दवाई या सीरम वगैरह का कोई नाम वगैरह हो या इस सूख। गाइस अभी हम जा रहे हैं, अपना सबने फास्ट खोल लिया और हम सब जा रहे हैं बड़ी मौसी के घर पूजा दीदी और से मिलने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया उनसे मिले नहीं है, वो तो हमारे घर आते नहीं है, पर हमने सोचा हम ही मिल के आ जाए। जैसे हम पिछली बार गए थे छोटी मौसी से मिलने, तो अब इस वाले फास्ट पे जा रहे हैं बड़ी मौसी और से मिलने। मतलब मौसी तो है नहीं इस दुनिया में, पर भैया दीदी और से सबसे मिलने जा रहे हैं। तो गाइस हम ये कहना चाहते हैं, हम जैसे इस घर में आएंगे तो यही पता चल जाता है कि ये बड़ी मौसी का घर है, क्योंकि यहाँ पे शोर भी बहुत होता है। चाय तो अब कम कर दी, खाने में मिर्ची भी बहुत होती है। कल भी हमने 2 जने आपको, अपनी भाषा भी बोलना है, पूछ ही ले। है जीजू आपकी पहले रसोई दिखाओ, पहले आप चाय दिखा दो हमारे घर। चलो नहीं दिखा दे रसोई पर, कभी आना नहीं है हमारे घर पे, तो कभी आना नहीं है। आज से इसका नाम रखा झूठे जीजा। आज मौसी को वादा करके जा रहा हूं, पहले भी कहा था फोनों पे। नहीं फोनों की बात लगा आपने, सामने कसम। तो गाइस अभी जस्ट हम घर पे आए हैं, 2 बज चुके हैं रात के, और शानू मम्मी को लेके आया स्कूटी पे, और मैं और दीदी और हम, ये तो भैया के। तो अभी हम घर आए हैं, और घर आके जो बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे सोमवार वाले व्रत में पता नहीं क्यों सर दर्द होता है, और उल्टी वाला मन रहता है एनी टाइम। आपका भी होता होगा शायद, कमेंट में बताना। तो गाइस हम इस वाले ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, होप करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, मुझे बिल्कुल पूरे के पूरे पहले वाले सारे के सारे सब्सक्राइबर चाहिए जो मुझे इतना प्यार करते थे। और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।